Welcome back to another lecture of Introduction to Sociology, and we were discussing theories of socialization and personality development. Very, very interesting topic. Now we come to behavioral theories, and American psychologist John Watson was the founder of behaviorism. Yeah, the behaviorist movement. Behaviorist movement in the 19th century. He said that humans learn behavior from their environment. वो जब अपने environment के साथ interact करते हैं, तो वो उनकी personality develop होती है. इसके बाद Burroughs Skinner जो है, B.F. Skinner, ये जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था. इसने कहा कि वी लर्न थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट. हम जो है रिवार्ड और पनिशमेंट से सीखते हैं. ठीक है, इसको इसने कंडीशनिंग का नाम दिया. इसको अपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं. अगर आप अपने बच्चे को जिस चीज पर सजा देंगे तो वो नहीं करेगा. ठीक है, या जिस चीज पर आप उसे रिवार्ड करेंगे तो वो चीज़ वो दोबारा करेगा. या आप इसकी जगह स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, आप एम्प्लॉय भी लगा सकते हैं. जिस चीज़ पर आप जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है उनको रिवार्ड देते हैं, प्रमोशन देते हैं, तो वो जो है वही काम दोबारा करते हैं. जिन चीज़ों पर आप जो है अपने एम्प्लॉयज को गुस्सा होते हैं तो वो काम वो फिर नहीं करते, एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं वगैरह वगैरह. अच्छा ये मेरी भतीजी है. अच्छा, तो इसमें जो है पालूव एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम एक्सपेरिमेंट है. ये आप यूट्यूब पर देखें. रशियन एक साइकोलॉजिस्ट था पालूव, जिसने एक डॉगी के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किया. इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं कि आप किसी चीज़ को, किसी साउंड को, किसी बात को एक आइडिया से अटैच कर लें. तो जब भी ये घंटी बजाता था तो तब इसको जो है काना मिलता था, इस डॉगी को या पपी को. तो पालूव ने फिर जो है ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं घंटी बजाता हूँ तो डॉगी को पता चल जाता है कि काने का टाइम हो गया है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये जाहिर होता है कि अगर आप जो है किसी जिसको जिस बच्चे को आप जिस तरह उसकी तरबियत दें, जिस तरह उसे ट्रेन करें. ठीक है, यानी सोने की अपनी ट्रेनिंग होती है, वॉशरूम मैनर्स की अपनी ट्रेनिंग होती है, खेलने कूदने की अपनी ट्रेनिंग होती है, पढ़ने की अपनी ट्रेनिंग होती है, तो उसी तरह जो है वो लर्न करता है. इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं. अब आखिर में जो है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक और एवोल्यूशनरी थ्योरीज जो हैं वो आती हैं. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं. मैं ज़रा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ.